ठीक है ना, जब आप इसका डेरिवेटिव लिया तो देखें आपके पास ये आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिए आप लोग। सर एक बार और के जो क्विज लेंगे वो नहीं होगा क्विज आप, सर जस्ट पावर का डेरिवेटिव लेना है भाई, बस और मल्टीपल फॉर्म में इसको लिख दिया। पावर वगैरह कैसे लगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x-1 है। आपने इसको ये देखें लिखा सेम टू सेम, ये देखें नजर आ रहा है ठीक है आपको बेटा। वो मैं समझ गया। हाँ, और आप इसका डेरिवेटिव ले लें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आता है, और 5x का डेरिवेटिव कितना आता है, 5 आता है, और 1 का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 0। और आप ये देखिए आपका आंसर है बेटा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन सॉल्व करना मुश्किल है, नहीं, देखें बात इसके को अंदर समझिए, मसला होगा। बात को सर समझिए। 5 सर 0 नहीं हो पाए हो जाएगा। 5x है ना, 5 नहीं है, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। मेंशन करके दिखाऊं, ये देखो, अगर आपको मैं 2x दे रहा हूं तो आपने 2 को बाहर निकाला, d ओवर d x, और ब्रैकेट में आप क्या लेंगे बेटा, x लेंगे। तो देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ रहा, 2। यानी 2x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आया, 2 आया आपके पास, यही आता है। अब इसी तरह अगर ये 5x होगा तो आंसर 5 आ जाएगा, 10x होगा तो आंसर 10 आ जाएगा। अच्छा, आप भी पूछ रहे थे कि दूसरा स्टूडेंट कि सर ऑनलाइन, देखें आप जो भी क्वेश्चन करेंगे ऑनलाइन तो आपको पेपर दिया हुआ होगा, उसके ऑप्शन गिवन होंगे, आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी आपको सपोज करो यही वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपकी स्क्रीन पर ये आंसर नजर आ रहा होगा, ठीक है, ओके क्लियर है ओके मेरी बात। एमसीक्यूज की तरह। हाँ, तो आप उसको क्लिक कर देंगे आप, तो इसमें आपको वो, हाँ अलबत्ता ये हो सकता है अगर हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे, भाई इसको एक्स की वैल्यू दे दें, भाई एक्स की वैल्यू पर इसको फाइंड आउट करके बताएं तो भी इसका कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा। जैसे एक्सपोनेंशियल टू एक्स है, एक्स की जगह मैं पुट कहता हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 आप यहाँ पुट करेंगे जो आंसर आएगा, उसके 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। समझा आप पूरा सॉल्यूशन करना था नहीं, पूरा सर, सोल्यूशन एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन पे होगा देने के, सर। हाँ एमसीक्यूज बेस होगा, मतलब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके जो ऑप्शन होंगे आप वो लिख देंगे, मतलब वो डिफाइन कर देंगे। अब जैसे अगर ये वाला ओके सर क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल 2x है, तो आप इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेट ले लेंगे, डेरिवेट लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। सर सर टाइम बता सकते हैं कितने आवर मिलेंगे। देखिए जैसे लास्ट टाइम जो आपने क्विज दिया था ना, क्विज आपका वैसे ही होगा, तो उसमें मतलब ये है कि हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ही देते हैं, क्योंकि आपको पता है नेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के घर में लाइट का मसला हो सकता है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो टाइम स्लॉट लास्ट टाइम वाली तरह ही दिया जाएगा जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 84। सर यहाँ टाइम 0 होगा सर। नहीं, एक चीज ये देखें बेटा, आप सबसे पहले हैं कि देखें दिस इज योर फंक्शन किस फॉर्म में है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, वेयर टी इज द टाइम इन ईयर, यानी टी आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, और जो आपके पास सी है वो क्या है, आपके पास टोटल कॉस्ट है। इस सवाल में दो ही चीजें आपको गिवेन है, टी फॉर टाइम और सी सी टी जो आपको गिवेन है वो बेसिकली क्या है, टोटल कॉस्ट है। ये बात क्लियर हो गई बेटा, और ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल सर फंक्शन है। जी बेटा, रिपीट करें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं, देखें ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें देखें ये जो सी है, दिस इज द टोटल कॉस्ट, ये लिखा हुआ आ रहा है टोटल कॉस्ट इन मिलियन ऑफ डॉलर, ठीक है ना, यानी ये आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट है, और ये जो टी आपको गिवेन है ये बेसिकली क्या है, टाइम है। देखें वेयर टी इज द टाइम इन ईयर, ये बात क्लियर हो गई बेटा, टी फॉर टाइम है, Yes. आप टाइम की जगह 0 पुट कर देंगे तो टोटल आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब Yes, sir. ठीक है ना, आपको ए पार्ट में क्या बोल रहा है, आपने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, किसकी, सी की, टोटल कॉस्ट की। तो आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे आप इसका, आप पहले डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद क्या करें, बी पार्ट में आपसे क्या बोल रहा है, सी प्राइम में 0 पुट करेंगे, और सी प्राइम में फिर क्या पुट करेंगे आप, 5 पुट करेंगे। बेटा स्टार्ट कर दें अब आप लोग ये वाला क्वेश्चन। सर 40 का सर डेरिवेटिव निकालेंगे।
ये देखें आप, अब आप करेंगे क्या बेटा, ये आपके पास फंक्शन है, अब आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब आप ये देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये देखें आप, माइनस 40, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस आपके पास क्या है, टी, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता है इसका आंसर माइनस वन आएगा। क्या आंसर आएगा, सपोज कर लें ये माइनस एक्स है, अब आप इसका क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, डीएक्स से डीएक्स कैंसिल, तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, माइनस वन बचेगा। ये माइनस वन इस माइनस को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो आपका जो आंसर आएगा हो जाएगा 40 एक्सपोनेंशियल माइनस टी। स्टूडेंट ये जो मैंने राइट डाउन किया है स्क्रीन पर, इसको क्लियर कर दूं? जी सर। लेकिन फिर एक दफा बता दूं, अगर x का डेरिवेटिव या t का डेरिवेटिव आता है सिंपल तो वो वन होता है, और अगर माइनस एक्स आता है तो उसका डेरिवेटिव माइनस वन होता है, ठीक है। 84 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं बेटा? इनके प्लीज पार्ट बी और पार्ट सी के आंसर्स बता दें। हाँ आंसर भी जरा मैच कर लें बेटा। सर वन सेकंड सर प्लीज। अच्छा मैं भी जरा आप लोग इसका, क्योंकि मैं भी आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्व करता हूँ 40, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में कैसे पुट करेंगे, देखें आपने 40 प्रेस किया, x शिफ्ट एक्सपोनेंशियल माइनस आप क्या पुट करेंगे, जीरो। देखें इसको बेहतर है कि ब्रैकेट में लिखें जीरो, राइट बेटा। देखें क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 40, यानी जब आप टी जीरो पुट कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो आंसर आ रहा है, एंड देन अगर आप उसके बाद इसमें 5 पुट करें तो देखें क्या आंसर आपके पास आता है, 0.26 आता है। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है यहां तक कोई मसला बेटा? तो एक बार फिर कैलकुलेटर में प्लीज करके दिखा दें, ये देखिए एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कहां से आता है। देखिए मैं फिर आपको करके दिखा दे रहा हूं बेटा, ये देखें आप, आपको पता है कि जब आपने डेरिवेटिव लिया तो कांस्टेंट नंबर तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, बाकी बचता है आपके पास ये वाला फैक्टर। अब ये माइनस टी है तो इसने क्या, इसको क्या कर दिया, प्लस टी, बात हम थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपके पास क्या बचा, 40, आपने देखें शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट एल एन, तो देखें एक्सपोनेंशियल बना हुआ आ गया। अब आप क्या करें, ब्रेकेट का साइन प्रेस कर दें, एंड देन पहली वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो, तो आप क्या करेंगे बेटा, जीरो पुट करें, ठीक है, और ब्रेकेट को क्लोज कर दें, तो देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 40 आंसर आ रहा है पार्ट बी के लिए। यस सर। एंड देन आप इसमें क्या पुट कर दें, 5 पुट कर दें, 5936.52, हो गया, ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात। अब आप लोग एक काम करें, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, ये वाला, सर कौन सा, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग, जी सर 81 कर लें या ये वाला कर लें जिसके ऊपर सर कर्सर बना हुआ आ रहा है, मैं जरा इसकी, ये वाला ऑर्गेनिक फूड वाला,
सर यहाँ टाइम का समझ नहीं आ रहा सर। देखिए टाइम का इसमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें आपको जो टाइम गिवेन है टी ईयर आफ्टर 1995 कैन बी अप्रोक्सीमेटली, आप क्या करेंगे देखें आप 2.43 एक्सपोनेंशियल 0.18 टी, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं टी का, तो ये सेम टू सेम आपके पास ये नंबर आ जाएगा 0.18। यहां तक बात क्लियर हो गई? एक्सपेंशन सर कैलकुलेटर में सर कहां से शो होगा? एक मिनट रुकिए, मेरी बात को समझिए। देखें आपके पास ये फंक्शन है, आपने 2.43 एक्सपोनेंशियल 0.18 टी लिखा, उसके बाद आप इसकी पावर का क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं 0.18। तो आप जब इसका डेरिवेट लेंगे तो आपके पास जो टर्म बचेगी 0.18 बचेगी, ये नंबर और ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं आपको जरा करके भी दिखा दे रहा हूं, देखें आप 2.43 मल्टीप्लाई 0.18 क्या आंसर आ रहा है आपके पास 0.43 क्या आंसर आ रहा है बेटा 0.43। अब आप ये देखिए 0.4374 एक्सपोनेंशियल 0.18। अब आपने करना क्या है इसमें, इसमें वैल्यू क्या गिवन है आपके पास सर 4374, ये आपने नंबर पुट किया, फिर देन आप क्या करेंगे शिफ्ट एक्सपोनेंशियल का साइन प्रेस करेंगे 0.1818। सर एक्सपोनेंशियल का सर साइन कैसे, देखें ये नंबर आपने पुट कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे शिफ्ट का बटन, देखें ये रहा शिफ्ट, ये लिखा हुआ देखो शिफ्ट और ln का बटन प्रेस कर देंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो क्या है 0.18, ब्रैकेट क्लोज करें तो आप उसकी जगह t की जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो जो आपका बी पार्ट का आंसर आ रहा है 2.646 आंसर आ रहा है। नहीं सर जी कर लिया ए और बी पार्ट, सर आंसर चेंज आ रहा है सर यहाँ कैसे चेंज आ रहा है, देखिए 0.4374 एक्सपोनेंशियल 0.18 आपने टी के जगह 10 पुट करना है, जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट जरा बताएं ये जो क्वेश्चन मैंने आपका भी डिस्कस किया ऑर्गेनिक फूड वाला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सबने इसका ए और बी पार्ट कर लिया? यस सर। ठीक है, अब आप एक काम करिए जो मार्जिनल कॉस्ट वाला जो फंक्शन नीचे गिवन है इसको जरा सॉल्व करिए बेटा आप लोग, ये मार्जिनल कॉस्ट वाला और कोशिश करिए इसको जल्दी से कर लें बेटा, कि उसके बाद फिर मुझे ये वाला क्वेश्चन भी आपको कराना 81। सर पर साहब मुझे कोई एक जी बेटा आपने क्वेश्चन रीड कर लिया मार्जिनल कॉस्ट वाला? यस सर। अब आप ये देखें, अब आपने करना क्या है इसके जो आंसर क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले मैं आपसे क्या कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट यानी सी पे प्राइम लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए सबसे पहले आप जी स्टूडेंट बताएं ए पार्ट में क्या करेंगे आप डेरिवेटिव ले लेंगे, सी प्राइम है ना तो सी प्राइम के लिए हम क्या लेते हैं डेरिवेटिव। आप भी डेरिवेटिव लें, मैं भी आपको लेकर दिखा देता हूं। देखिए ये आपके पास क्या है फंक्शन,
अब आपको पता है ये है आपके पास कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, माइनस 50। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, एक्सपोनेंशियल माइनस टी, ये आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टी का जो डेरिवेटिव है वो क्या आंसर आएगा, माइनस वन आता है। यही आता है बेटा? यस सर। ठीक है, अब ये वाला माइनस इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे आप बेटा? सर 50 एक्सपोनेंशियल माइनस टी। हाँ, 50 एक्सपोनेंशियल माइनस टी। ये बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? जी सर। अब आप क्या करेंगे, ए पार्ट आपका हो गया खत्म, अब आप क्या करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या पुट करना है, चलें ठीक है, आप जीरो पुट करके जरा मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है बेटा। सर इसी में जीरो पुट करना है सर? बिल्कुल, इसी में पुट कर दें, डेरिवेटिव के बाद वाली जो इक्वेशन बनती है बेटा। सर 50 आ रहा है, सबका यही आंसर आ रहा है सर। एक बात पूछनी है, जो हमने जो जो हमारे पास माइनस वन आया है वो हमारे पास वो किसका डेरिवेटिव आया है? वो देखें एक्सपोनेंशियल का जो रूल है कि एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर गिवन होती है ना, जैसे ये, तो इसको आप सेम टू सेम लिखते हैं और इसके बाद मल्टीपल फॉर्म में आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। अब चूंकि ये माइनस टी है तो माइनस टी का जो आप डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर है सर आंस। तो ये वाला माइनस इससे क्या होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जी बेटा, क्या आंसर है, अपॉन में क्यों आया सर? आंसर 50 है, अपॉन में नहीं आया, ये इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको भी अच्छा मुझे लगा अपॉन में आ रहा है। ठीक है सर, आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखा देता हूं। देखें आपने क्या लिखा, 50, आप उसके बाद शिफ्ट का बटन दबाएंगे और ln का फंक्शन ये रहा आपके पास ln, एंड देन आप क्या करेंगे टी, टी की जो फ्रॉम गिवन थी क्या थी जरा मुझे कोई बताएगा सर? आंसर 50 आ रहा है सर। अच्छा, जीरो होगा, हाँ जीरो होगा, 50 आ रहा है। ठीक है, तो देखें आपका आंसर आ गया। अब बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब देखें आपने देख लिया कि एप्लीकेशन में आपने क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आप कोई एक और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 81 को जरा देख लें ताकि आपकी थोड़ी सी मजीद इम्प्रूवमेंट हो जाए बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 81 को जरा देख लें आप लोग। टी क्या दे रहा है, जीरो, यानी 2009 ईयर जो है वो आपका क्या है, जीरो। 2009 के बाद जो आपका पहला ईयर होगा 2010, उसे आप टाइम वन कंसीडर करेंगे। बात क्लियर है बेटा? Yes, यहाँ पे देखे मेंशन है वेयर टी इज इक्वल टू जीरो टू 2009। अब 2009 अगर आप यहाँ पे ये बोल रहा है एस्टिमेट करें 2009 में क्या होगा, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। एंड देन 2009 जो है वो आपका जीरो ईयर है, तो आप 2020 को 2010 से सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा वो आपने टी की जगह पुट कर देना है। ठीक है सर, मतलब फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दिया। जी बेटा, बस आपने इस तरह इसमें वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। सर 0.909 आंसर आया। ठीक है बेटा, माशाल्लाह ग्रेट, आपने तो क्विक रिस्पांस किया और आंसर भी दे दिया।